तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं कमाल का एक वॉलपेपर फीचर बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाएंगे ना, उसके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन्हांस कर सकते हैं। उस फीचर का नाम है फोटो एम्बेंट वॉलपेपर फीचर। ये फीचर कहाँ मिलेगा, कैसे इनेबल करेंगे और एक्चुअल में ये फीचर वर्क कैसे करता है, पूरी डिटेलिंग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिस बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला बहुत ही कमाल का एक फीचर, जो कि मेरे को रिसेंटली अभी ऐसे ही मैं चेक कर रहा था मोबाइल, मुझे वो फीचर मिला फोटो एम्बेड वॉलपेपर फीचर, जो कि बहुत शानदार लगा यार मुझे। मतलब एक ये भी AI का ही फीचर है, पर बहुत ही शानदार है। मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से ये फीचर नहीं सुना, मैंने फर्स्ट टाइम खुद ही देखा। अब इसके लिए मैं आपको आपको ले जा रहा हूँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर लेफ्ट वाले ऑप्शन पे। लेफ्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर फोटो एम्बेडेड वॉलपेपर। आप देख सकते हैं फोटो एम्बेडेड वॉलपेपर, ये फोटो एम्बेडेड वॉलपेपर करता है। बाय डिफॉल्ट ही फीचर ऑफ रहता है ना, ये मैंने ऑन करा हुआ है, ये अंडर डेवलपमेंट फीचर है, लैब के अंदर दिखता है। अब ये फीचर काम क्या करता है, फोटो एम्बेडेड वॉलपेपर यूज फॉर इंटेलिजेंट टू चेंज योर ओन फोटो बेस्ड ऑन द टाइम एंड वेदर, यू कैन सेट दिस योर वॉलपेपर सेटिंग। ये क्या करता है, टाइम के हिसाब से और आपके वेदर के हिसाब से जो आपने अगर अपना वॉलपेपर लगा रखा है ना, उसके अंदर इफेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक आपने अगर कोई फोटो लगा रखी है दिन की और अगर आप नाइट में इसको यूज कर रहे हैं, तो वो उसमें फोटो में नाइट का इफेक्ट आ जाएगा, या फिर अगर रेन आ रही है रेन का इफेक्ट आ जाएगा, सन आ मतलब सनलाइट आ रही है तो सनलाइट का इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर ये काम करता है, ठीक है। अब इसको इनेबल कर लिया, इनेबल करने के बाद वो बोल रहा है आपको इसको यूज करने के लिए आपकी वेदर जो ऐप है ना, जो जिस जो वेदर पे आपका जो एरिया अपडेटेड होगा या फिर जो भी लोकेशन आपने वेदर में अपडेट कर रखी होगी, उस पर बेस पे ये काम करेगा। और हो सकता है ये ज्यादा बैटरी भी खाए और ज्यादा आपका बैटरी भी खाएगा और ज़्यादा आपके मोबाइल की नेट भी खा सकता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ये यूज़ कर सकता है। आपने इसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात इसने क्या लिखा है, ये जब बेस्ट तब काम करेगा जब इसको आप आउटडोर में यूज़ करेंगे। आउटडोर में जब आप यूज़ करेंगे या फिर आउटडोर की जो फोटो आप लगाएंगे ना, उस पर बहुत शानदार काम करेगा। अब इसको यूज़ करके एक बार मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर चेंज वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे, चेंज वॉलपेपर ऑप्शन पे। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो एम्बेडेड करके, आप देख रहे होंगे फोटो एम्बेड करके आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएटिविटी के अंदर। लैब वहाँ पर साइड में बना हुआ आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब ये बोल रहा है सी हाउ एडवांस इंटेलिजेंट चेंज योर ओन फोटो बेस्ड ऑन द टाइम एंड वेदर, जैसा कि आपको इफेक्ट्स दिखा रहा होगा ना, सेम इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं ट्राई नाउ पे क्लिक करा और मैं एक फोटो को चूज कर लेता हूँ। मैंने एक अपनी एक फोटो को यहाँ पर चूज कर लिया, आप देख रहे हैं मैंने एक अपनी एक फोटो को यहाँ पर चूज कर लिया है, जैसे भी डायरेक्शन या जो भी मेरे को उसमें से करना है आपने चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक प्ले बटन सा दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे प्ले बटन सा दिख रहा है। अब जैसे ही मैं उस पर प्ले करूंगा ना, वो एक AI पे बता देगा कि इस तरीके से फीचर काम करेगा। अगर रेन आ रही होगी ना तो ऐसा बताएगा, आप देख सकते हैं रेन आ रही है तो ऐसा। अगर वहां पर स्नोफॉल हो रही होगी तो स्नोफॉल ऐसे दिखाई देगी आपको, या फिर अगर सनलाइट आ रही होगी तो सनलाइट का भी इफेक्ट्स आपको बता देगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करेगा, आप देख सकते हैं ऐसा उन्होंने बता दिया आपको। सिंपली बस उसको करना क्या है, इसको डन करके सेव कर देना है। और जब भी आप ऐसा कोई इफेक्ट्स आएगा या जब भी कोई ऐसा एटमॉस्फियर रहेगा, वो आपको खुद बता देगा कि भैया ऐसा एटमॉस्फियर है और मैंने उसको हिसाब से उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये उस हिसाब से उस फीचर को आपको यूज़ करके बता देगा। और ये लॉक स्क्रीन पर मेरे लग गया है, आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पे लग गया और लॉक स्क्रीन पे इफेक्ट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसा जैसा फोटोज पे होते जाएगा या जैसा जैसा वेदर होते जाएगा, वैसा वैसा ये इफेक्ट मुझे देता जाएगा। तो यही कमाल का फीचर था जो मुझे लगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।